बढ़िया, उत्साह होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये त्रेता युग से राम और सीता का जो विवाह हुआ उससे मिथिला का और अयोध्या का संबंध है। तो रामायण और जो जितने भी पुराण है, कथा है, उसमें ही बताया जाता है कि राम का जन्मभूमि अयोध्या में है। और अयोध्या में राम का जन्मभूमि है तो कहाँ है वो, ये कुछ पता नहीं चल रहा था। उस पर विवाद थी, मैं उस विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लंबे अरसे के बाद एक फैसला दिया कि अयोध्या में ही रामलला का जो जन्म हुआ था और वहीं पर वो मंदिर है। उसके बाद लोगों में खुशी होना स्वाभाविक है। हम मिथिलावासी, जनकपुरवासी, नेपालवासी को भी खुशी है, भारत के लोगों को भी खुशी है। उसके बाद निर्माण का प्रारंभ हुआ, और निर्माण का काम जो प्रारंभ हुआ तो रामलला की मूर्ति बनी और उसका प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रहा है। तो स्वाभाविक है, हम सब खुश हैं, भारत के लोग भी खुश हैं, नेपाल के लोग भी खुश हैं, और हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले, सीता और राम में विश्वास करने वाले, आस्था रखने वाले, संसार के जो कोई भी हो, उनको स्वाभाविक रूप से हर्ष होगा, गर्व होगा। ये गर्व है, गर्वान्वित है, अयोध्या बहुत सहायक सिद्ध होगा, हो रहा भी है। देखिए, एक तो वैसे भी जनकपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकपुर यात्रा इसलिए हुई कि सीता का जन्मभूमि जनकपुर है और अयोध्या से जनकपुर का संबंध जुड़ा हुआ है, क्योंकि सीता और राम का शुभ विवाह हुआ है। तो वैसे भी उसे भी पर्यटन का विकास हुआ, और अभी जो रामलला का वहाँ मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उसे अयोध्या में हम लोगों ने, जनकपुर के लोगों ने, जानकी मंदिर के और यहाँ के नागरिक समाजों ने यहाँ से बाहर भेजा था कुछ दिन पहले। तो ये एक संबंध है, भार भेजने का मतलब सिर्फ भार ही नहीं होता है, भार में तो जैसे सामग्रियां, खाद्य सामग्री होता है, जो ये सुहाग का सामग्री होता है, कपड़ा होता है, तो उसका व्यापार भी होता है, खरीद बिक्री भी होती है। तो वो पर्यटन विकास के माध्यम से, जरिए से, ये आर्थिक गतिविधि भी इसका लिए संभव होता है। तो स्वाभाविक है कि पर्यटन का विकास होगा, अयोध्या के लोग यहाँ आएंगे, जनकपुर आएंगे, जनकपुर के लोग अयोध्या जाएंगे। मैंने लोगों से कहा, अभी नेपाल का जो प्राइवेट एयरलाइंस है, बुद्ध एयर वाले लोग उत्साही हैं कि अयोध्या में हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट बन रहा है, तो जनकपुर से डायरेक्ट हम लोग वहाँ हवाई सेवा प्रारंभ करेंगे और अयोध्या से भी लोग आएंगे। तो इस तरह से जनकपुर के रेलवे अयोध्या तक जाएगी, अयोध्या और जनकपुर की कनेक्टिविटी सड़क बन रहा है। हम भी जनकपुर से ये ढलके पर जनकपुर जटी सड़क जो 6 लेन का हमने बनाया जब मैं मंत्री था, तो वहाँ से हमने भारत के नितिन गडकरी जी को रिक्वेस्ट किया और कि आप गिरिजा स्थान के माध्यम से उस मार्ग से भी आप सड़क बना दीजिए, क्योंकि राम और सीता का पहला मिलन, पहली पहली मुलाकात गिरिजा स्थान हुई थी, जो बिहार का भी यहाँ बॉर्डर साइड में फुलहर जिसको कहते हैं, वहाँ पुष्प वाटिका में यह रामचरित मानस में लिखा हुआ है। तो इस तरह से विकास भी हो रहा है, सीमावर्ती बिहार के लोगों को, मधुबनी, दरभंगा, फुलहर, इधर जो लोग हैं उनके क्षेत्र में भी विकास होगा, पर्यटन का विकास भी होगा, भौतिक संरचनाएं भी बनेगी और आर्थिक गतिविधि बनेगा। पिछले कुछ वर्षों से रामायण सर पहले देखिए, दोनों देश, दो शहरों को, अयोध्या को और जनकपुर को जोड़ने के लिए सबसे पहला तरीका है कनेक्टिविटी का। कनेक्टिविटी में आता है ट्रांसपोर्टेशन, सड़क यातायात, हवाई यातायात, रेल यातायात। जैसे ही ये तीनों यातायात शुरू हो जाएगा, जुड़ जाएगा, हवाई सेवा से जुड़ जाएगा अयोध्या और जनकपुर, रेल से सेवा से जुड़ जाएगा अयोध्या जनकपुर, और ये सड़क यातायात से जुड़ जाएगा अयोध्या जनकपुर, तो सर्वांगीण विकास के लिए, गतिविधियों के लिए अपने आप अवसर हो जाएगा उसका। इसलिए ये जरूरी है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, भारत सरकार भी काम कर रही है, हम भी काम, नेपाल सरकार भी काम कर रही है। सबसे पहले तो भारत और नेपाल का जो संबंध है,
तो भारत और नेपाल का संबंध की हम लोग चर्चा करें तो नेपाल का और देश से भी संबंध है, लेकिन भारत से विशेष संबंध है, पारिवारिक रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता है भारत नेपाल से। और ये दोनों देश का बीच का संबंध ये त्रेता युगकालीन है, जिस समय भगवान राम और माता सीता बीच जो संबंध हुआ, वैवाहिक संबंध जो हुआ, तो इसीलिए अयोध्या और ये जनकपुर धाम मिथिला इसका संबंध जो है सो प्राचीन है। और अभी जो वर्षों के प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रहा है, इससे जनकपुरवासी हम लोग बहुत ही हर्षित है, क्योंकि अपना बहन का या अपना दीदी की नए महल बन रहा हो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो, तो इससे खुशी और मिथिलावासी के लिए, मधेशवासी के लिए, जनकपुर धामवासी के लिए और क्या चाहिए। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वही कहे कि ये सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है, क्योंकि अवध और मिथिला जनकपुर धाम ये दोनों का संबंध जो है सो अवध मिथिला संस्कृति, ये नेपाल में उत्कृष्ट संस्कृति है। वाल्मीकि रामायण का हम लोग अगर बात करें तो उसमें 7 कांड है, 24,000 श्लोक है, तो उसमें भी वर्णन किया है मिथिला और अवध का संबंध। तो इसीलिए जनकपुर धाम अब रिचार्ज होने लगा है, अयोध्या में मंदिर बन रही है, जनकपुर धाम भी रिचार्ज हो गया है, क्योंकि जिस उसी दिन 22 जी वही हम कहने वाले थे, जनकपुर धाम के बारे में उजागर करने वाले वो पहले महापुरुष है वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखा और मिथिला को जनकपुर धाम को उन्होंने जिक्र किया है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में और भी रामायण में किया हुआ है। उसके बाद में रामानंद सागर जी जिन्होंने रामायण का परिकल्पना किया और रामायण सीरियल उन्होंने निकाला, उससे भी जनकपुर धाम रिचार्ज हुआ है। उसके बाद अगर कहिएगा तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भ्रमण, जनकपुर धाम भ्रमण, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जनकपुर धाम भ्रमण, इससे जनकपुर धाम और रिचार्ज हो गया है। अब जो अयोध्या में राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उसके बाद में जनकपुर धाम का, जनकपुर धाम में आने वाले भारतीय पर्यटक के लिए धार्मिक पर्यटक के आकर्षण का केंद्र बनेगा। आप देखिएगा काफी भीड़ हो गया, ऐसे मोदी जी के भ्रमण के बाद में जनकपुर धाम में पर्यटक आने लगे भारत से, और भारत की जो आबादी है 1,40,00,000,000 तो सामान्य आबादी नहीं है, उसमें से अगर 2% भी जनकपुर आ जाए तो जनकपुर में तो वैसे ही जीडीपी बढ़ जाएगा धार्मिक पर्यटक टूरिज्म के हिसाब से। इसीलिए जनकपुर धाम को भी अब जनकपुर वासियों ने, यहाँ के स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार और संघीय सरकार को भी जनकपुर धाम के विकास के लिए प्राधिकरण बना करके विकास के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, बस अयोध्या की तरह। देखिए सर्किट की चर्चा विगत से होते जा रहे हैं, रामायण सर्किट का आपको कहिएगा तो डीपीआर भी बन चुका है कि कहाँ कहाँ बनाना है, कहाँ कहाँ भारत में बनाना है, कहाँ कहाँ नेपाल में बनाना है। और ये दो देश का जो संबंध कहे है, ये विशेष संबंध है भारत नेपाल की, दोनों देश ने मिल करके दोनों देश का संयुक्त विकास की अवधारणा है, परिकल्पना भी करना चाहिए दोनों देश का नेता को, और कहीं हद तक कर भी रहे हैं भारत नेपाल के नेता, हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे, भारत जिस हिसाब से विकसित भारत का कंसेप्ट लेकर के आगे बढ़ रहा है, भारत और वाकई भारत आगे भी बढ़ रहा है विकास की गति में, वैसे नेपाल हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो हम लोग अब ज्वाइंट जो है सो भारत जोड़े ज्वाइंट सहकार्य करके विकास की गति आगे बढ़ावे। रामायण सर्किट अगर बन जाती है तो रामायण सर्किट भी मधेश के विकास के लिए और इस क्षेत्र के जैसे एक नंबर प्रदेश की भी विकास के लिए भी लक्ष्मण बुटी का काम करेगा। वही तो जनकपुर जो परिकल्पना है ना, जहाँ जहाँ बनना चाहिए, जहाँ जहाँ राम भगवान का पैर गया है, जहाँ जहाँ वो पदार्पण किए हैं, उस सब जगह को विकास होनी चाहिए, उसे धार्मिक टूरिज्म कॉरिडोर बन जाएगा और उससे पर्यटक जो है उस जगह पर विजिट करेंगे। और जैसे मात्र भारत के नहीं, श्रीलंका के भी आएंगे, थाईलैंड से भी आएंगे, क्योंकि थाईलैंड से भी संबंध है धार्मिक और श्रीलंका से भी है, लेकिन वही भारत से थोड़ा विशेष संबंध है। इसीलिए ये जो रामायण सर्किट की जो योजना है ये अगर पूरा हो जाती है तो इसी ही विकास बढ़ जाएगी।